हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एक अदर क्रिएटर साइट। आज हम एम्प्टी कुकी कंटेनर्स को न्यू लुक देने वाले हैं, तो आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि आपको टाइम टाइम पे मेरे न्यू वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। तो इसके लिए हमारे मेन मटेरियल्स हैं जेसो, ब्रशेस, फेविकोल मोल्डेड क्ले, एक्रेलिक पेंट्स, पेपर कटर, टूथपिक, स्टेशनरी एंड फेविकॉल। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मेरा बॉक्स है उस पर मैं जेसो अप्लाई कर रही हूँ। आप एक्रेलिक पेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टू लेयर्स ऑफ जेसो कर रही हूँ, जिससे कि हमारा फिनिश अच्छा दिखेगा और नीचे का कलर का वेस्ट नहीं दिखेगा और हमें डिज़ाइन बनाना आसान होगा। अगर आप इसको रॉ ही रखना चाहते हैं और कोई कलर नहीं करना चाहते हैं, कभी कभी जो मेन ओरिजिनल मड मिरर आर्ट है उस पर कोई भी कलर नहीं होता है, तो आप इसे एज इट इज़ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो बॉक्स है उसके पीछे की तरफ मैंने एक्रेलिक पेंट किया है कि अगर मैं किसी को गिफ्ट करना चाहूँ तो देखने में अच्छा लगे, और स्पॉन्ज डैबर की हेल्प से इसे फिनिश कर दिया है जो सूखने के बाद फिनिश लुक देगा। तो यहाँ पे मैंने पेंसिल से डिज़ाइन ड्रॉ कर लिया है, और ये जो बॉक्स के बाहर की तरफ है ये 24 इंचेस है, तो इसको डिवाइड करना आसान हो जाता है। मैं यहाँ पे 2-2 इंचेस के बॉक्सेस बनाऊंगी और उसके अंदर डिज़ाइन ड्रॉ करूंगी। तो इसी तरीके से मैंने 2-2 इंचेस का मार्किंग करके स्केल से डिज़ाइन ड्रॉ कर लिया है, और बाकी मैं ड्रॉ फ्री हैंड कर रही हूँ। और जहाँ पे भी हमें मिरर्स लगाने हैं उसकी मार्किंग भी पहले से करके देख सकते हैं कि कैसा लुक आ जाएगा। तो पूरा डिज़ाइन ड्रॉ हो जाने के बाद अब हम मोल्डेड क्ले का इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमें पता है मोल्डेड क्ले में एक रेजिन होता है और एक हार्डनर होता है, इसे हमें सेम क्वांटिटीज़ का लेकर मिक्स करना होता है। तो सबसे पहले हमें हाथ पे और अपने टूल्स पे टेलकम पाउडर लगा लेना होता है, जिससे कि हमारे टूल्स ख़राब ना हो और स्टिकी ना हो। इस तरीके से मिक्स करिए मोल्डेड क्ले को, और ये कुछ इस तरीके का दिखेगा मिक्स होने के बाद। इसको हमें ध्यान रखना है कि 30-45 मिनट्स के अंदर ही हमें इसको यूज़ करना है, इसलिए हमेशा स्मॉल क्वांटिटीज़ में ही मोल्डेड क्ले को मिक्स करें, जिससे कि वो हार्ड ना हो और उसको सही तरीके से यूज़ कर पाएँ। तो अभी सबसे पहले जहाँ जहाँ हमें क्ले का लगाना है वहाँ पे सबसे पहले फेविकॉल लगाएंगे और कॉइल्स बना करके उसके ऊपर चिपकाते जाएंगे। वैसे तो ऐसे भी चिपक जाता है, बट अगर हम फैब्रिक ग्लू या फेविकॉल लगा करके चिपकाते हैं तो वो अच्छी तरीके से फिक्स हो जाता है और निकलेगा नहीं। तो जो कॉइल्स हैं उसको सही तरीके से जो हमारी लाइंस डिज़ाइन की ड्रॉ करी गई हैं उस पर प्लेस करते जा रहे हो, और पेपर कटर की हेल्प से कट करते जा रहे हो। इसी तरीके से इसकी बीक है और जो भी डिज़ाइंस है उसको कवर कर लिया है, और पेपर कटर की हेल्प से इसको सेट करते जा रहे हैं। यहाँ पे मैं टूथपिक की हेल्प से इसको अरेंज कर रही हूँ, जिससे कि मुझे हाथ से उसको प्रेस नहीं करना पड़े और डिज़ाइन हमारी अच्छी से प्लेस हो जाए। इसी तरीके से हमें पूरा डिज़ाइन कवर कर लेना है, छोटी छोटी सी बॉल्स बना करके लगाएं। और ये आप कुछ डिज़ाइंस या कोई टेक्सचर देना चाहें तो जब ये गीला है तभी इस पे दे सकते हैं। जैसे टूथपिक के बैक साइड से मैंने यहाँ डॉट्स बनाए हैं, इसी तरीके से कहीं पे भी आप कुछ लगाते हैं तो जब ये गीला है तभी उसको डिज़ाइन बना दें उस पे। अब ये जो हमारा बाहर का रिंग है इस पे मैं बॉर्डरिंग कर रही हूँ, हाफ सेमी सर्कल लगा कर कट करते जा रहे हैं और इसको बना लिया है। जब भी हम बॉर्डर बनाते हैं तो हम ध्यान रहे, अगर हम सेम कलर यूज़ करने वाले हैं तो हमें इसको काउंट करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर हम 2-3 कलर्स यूज़ करें तो उसको काउंट करके बनाएं। इसी तरीके से बॉक्स के चारों तरफ भी ऊपर और नीचे की तरफ कॉइलिंग कर ली है, फेविकॉल लगा के उसके अच्छी तरीके से स्टिक कर लिया है, और जहाँ पर भी जॉइंट हो उसको
थोड़ा सा टेलकम पाउडर लगा करके अगर हम हल्का सा उसको आगे पीछे की तरफ रब करते हैं तो वो लाइंस मर्ज हो जाती हैं और वो टूटी हुई ब्रेकिंग नहीं दिखेंगी। ये देखिए, यहाँ से मैंने कट कर लिया, इसी तरीके से पूरे बॉक्स को मैंने फिनिश कर लिया है। अब इसको अच्छी तरीके से सूखने के बाद हम कलरिंग स्टार्ट करेंगे। तो मैंने ये जो हमारा मॉक कलर है ऊपर लाइट वॉयलेट, तो इसी के कॉम्बिनेशन में मैंने कॉरल ग्रीन येलो एंड ब्लू कलर का यूज़ किया है, जिसको मैंने अलग अलग बॉक्सेस में अलग अलग कलर कर रही हूँ। फिनिश होने के बाद ये बहुत ही अच्छा लुक देगा। तो ये देखिए, इस तरीके से सेक्शंस डिवाइड कर लें और कलर करके इसको फिनिश कर लें। मैंने यहाँ पे, क्योंकि हमारे कलर्स थोड़े डार्क थे, इसलिए मैंने इसमें वाइट कलर मिक्स किया है और उनको थोड़ा सा लाइटन और पेस्टल लुक दिया है। अब देखिए, यहाँ पे जब हमने किया तो मैं यहाँ पे 3 कलर्स का यूज़ कर रही हूँ बॉर्डर में, ग्रीन, कॉरल कलर एंड येलो। तो इसमें हमारा ये काउंटेड है, अगर ये काउंटेड नहीं होंगे सेमी सर्कल्स तो या तो एक या कम या ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए काउंटिंग करके सेक्शंस बना करके ही डिज़ाइन बनाएं। मैं सेम कलर कर रही हूँ जो हमारा बेस कोट था, जिससे कि हमारी मैचिंग आए थोड़ा सा। मैंने इसमें, आप अंदर देख सकते हैं, जो हमारा बाहर बॉक्स का पहले से जो कलर था उसको ही मिक्स किया है अंदर। अब यहाँ पे जब ये प्रॉपर अच्छी तरह सूख जाए तो मैंने यहाँ पे कॉइल्स जो हमारी हैं, जो हमारा मड मिरर आर्ट बनाया है, उसके ऊपर वाइट एक्रेलिक पेंट कर दिया है जो कि फिनिश लुक देगा। और जहाँ पे भी ज़रूरत है आइस वगैरह पे, मैंने ब्लैक कलर का यूज़ करके उसको किया है। और अब हम इस पर मिरर्स लगाएंगे, क्योंकि बिना मिरर्स के मड मिरर आर्ट का लुक ही नहीं आएगा। सो मेरे यहाँ पे सर्कल एंड डायमंड शेप का यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैंने ट्रायंगल भी लगाए हैं, जहाँ पे सेमी सर्कल है यहाँ पे मैंने ट्रायंगल मिरर्स का यूज़ किया है, क्योंकि ये स्मॉल सेक्शंस थे। और लीजिए, हमारा ये खूबसूरत सा बॉक्स रेडी है और इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, किसी को कुछ गिफ्ट करना चाहें तो इसको आसानी से दे सकते हैं। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक और कमेंट करके मुझे आप बताते रहें और मेरे वीडियो को शेयर करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।